Hello everyone, welcome you all to the Indus Business School. Today we have with us Mr. Lalit Devra. He is the founder of Swastik Nursery and he is an alumni of our institute as well. Welcome to the institute, sir. Sir, I would like to know, you had an interaction with our students. How was it? How was the experience? It was great, ma'am. इतने सालों बाद में कॉलेज में आना और उसी ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स के सामने रहना, इट वाज अगेन अ ग्रेट। सो लाइक हाउ द जर्नी बिगेन फ्रॉम डूइंग एमबीए टू फार्मिंग, सो लाइक प्लीज टेल अस अबाउट इट। लुक, इट वाज नॉट टू मच इजी, राइट? 2012 में जब लास्ट सेमेस्टर था हमारा, वी वर इनटू आवर इंटर्नशिप, तो आई वॉज वर्किंग इन अमूल दैट टाइम, एंड देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड वगोली इन पुणे। तो एवरी डे यहाँ से कॉलेज से वहाँ पुणे वगोली जाना। मीन वाइल देर आर फ्यू यू नो इंडस्ट्रीज लाइक ग्रीन हाउसेज एंड पॉली हाउसेज, जो फार्मिंग की इंडस्ट्री थी, हॉर्टिकल्चर के काम थे। तो आई वेंट देर दैट टाइम फर्स्ट और आई सॉ ऑल द थिंग एंड इट वॉज रियली यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग फॉर मी कि वी कैन ऑल्सो वर्क इन हॉर्टिकल्चर एंड ऑल। एंड येस अगेन एवरी डे कॉलेज में या अल्टरनेट जो हमारा लेक्चर होता था, दैट वॉज डिपेंड रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल। आई सेड क्यों नहीं अपन को जॉब करने के बजाय खुद का एंटरप्रेन्योरशिप वाला ऐसा कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहिए जहाँ हम लोग खुद दूसरों को बहुत सारा उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे एंड ऑल, वो सारा चीज़। तो वहीं से स्टार्ट हुआ एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उस फील्ड में घुसे, और घुसने के बाद में जब सारा समझ में आया कि हमारे को फार्मिंग में इतना सारा स्कोप है, बहुत सारा अच्छा अपन काम कर सकते हैं, आई स्टार्टेड एंड नाउ एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। In 2012, I read somewhere that you got an offer of 8 lakh, like, and but then you declined it. Then how and why did it happen? Look, यहाँ सिर्फ जॉब करके ही वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, या आई वॉज थिंकिंग कि जॉब कर लिया तो अगेन मैं भी उन्हीं मैनेजर्स के जैसा बन जाऊँगा जो दूसरे सारे मैनेजर्स हैं, मॉर्निंग में 9 to 6 वाला, वैसा नहीं बनना चाह रहा था, राइट? तो जो कुछ नया नया एक्सप्लोर कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोग कि क्या कुछ फील्ड में हम कैसे काम कर सकते हैं एंड ऑफ, एंड सडनली दिस एग्रीकल्चर केम इनटू माय माइंड। बिकॉज आज भी आप इंडिया में देखेंगे तो मोस्टली 70% और मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड ओनली, राइट? बट एजुकेशन लेवल देखेंगे तो दैट इज़ वेरी वेरी लेस। तो यदि आप एजुकेटेड बंदा कोई एग्रीकल्चर में आएगा तो डेफिनेटली ही कैन डू मोर बेटर और ही कैन गेट मोर यू नो फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो आई चोज दिस एग्रीकल्चर एज माई बिजनेस प्रोफेशन एंड उसी को अपना स्किल को बढ़ाते 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 एंड आई डिड एवरीथिंग इन एग्रीकल्चर ओनली, हॉर्टिकल्चर, वी स्टार्टेड दिस थिंग पॉली हाउसेज, ग्रीन हाउसेज, देन अगेन नर्सरी एंड ऑल, दैट वाज द थिंग। व्हाट स्किल्स यू वांट आवर स्टूडेंट्स टू लर्न इन दीस टू इयर्स सो दैट दे कैन आल्सो बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर? लुक, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ क्लास में बैठ के या कॉलेज में रह के सिर्फ और सिर्फ थेरेटिकली सारा सब कुछ करना है, आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, राइट? आपको वो सारी चीज़ें भी सीखनी है जो बाहर इंडस्ट्री में हो रही है, या आपको यू हैव टू फाइंड आउट पर्टिकुलरली दोज पॉइंट्स या दोज गैप्स जहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स जो भी यहाँ पे सिखाई जाएगी आप उस जगह पे जाके या उस गैप के अंदर आप अपने आप को फिट करें, यू हैव टू गेट मोर नॉलेज अबाउट दैट, और बहुत अच्छा अपन एंटरप्रेन्योर बन के वहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोगों को भी दे हैव टू फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ गैप्स फर्स्ट, और उसके बाद में उन गैप्स को कैसे फिल कर सकते हैं, उन गैप्स के गोल को अचीव करने के लिए कैसे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, दैट दे कैन डू। आपको सिर्फ मैनेजर बन के ही सारा सब कुछ लाइफ में नहीं करना है, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हो। अभी आप खुद बनोगे उसके बशर्ते यदि 5, 10, 20 लोगों को यदि आप वो देते हो, जॉब क्रिएट करते हो, तो दैट इज नथिंग लाइक दैट, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि उनको ये करना चाहिए, बट दे हैव टू डू मोर रिसर्च अबाउट दीज ऑल थिंग्स, बिकॉज जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपके पास में सारा का सारा स्टडी होना चाहिए, प्रोज कॉन्स एवरीथिंग शुड बी देयर। फेल होंगे तो क्या करेंगे, फेल नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रिमेनिंग सारी चीजें कैसे मैनेज होगी, दैट दे हैव टू वर्क आउट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग, थैंक यू सो मच मैम। We'll be right back.